हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ। ऐसी उम्मीद में आप लोगों के लिए भी करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम विनीता जॉन विलियम है और मैं फिर से आई हूँ अपने अनदर व्लॉग में। होप आप लोगों को मेरे पिछले व्लॉग अच्छे लगे हों और मैं आगे भी और व्लॉग बनाती रहूँगी, पर अब मैं वीकली डालूंगी। पहले मैं एवरीडे डाल रही थी, मुझ पर बहुत सारा काम होने की वजह से मैं अब व्लॉग ये हफ्ते में एक बार ही डालूंगी। और इसमें मैं बनाने चली हूँ आम का अचार। देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ आम का अचार। नहीं, ये आम का पेड़ नहीं है, मेरे घर के सामने जो पेड़ है वो है। चलिए मिलते हैं और देखिए मैंने कैसे बनाया। ये है आम, कच्चा है एकदम। मेरी काट के रखूंगी तो इसको भी मैं धूप में रख देती हूँ ताकि ये सूख जाए। तो अचार बनाने के लिए मैं जो डालती हूँ वो है सौंफ। ये ऑलमोस्ट भरा हुआ था। धनिया, धनिया से कम जीरा, ये मेथी दाना। इसको हम सिर्फ थोड़ा सा सेकेंगे सेकेंगे मीन्स लाइक ब्राउन नहीं करेंगे, इसकी नमी चली जाए, इतना हम इसको वो करेंगे, गरम करेंगे। खुशबू आने लगी है, बिल्कुल कम आंच पे मैंने रखा है इसको। अब
अब इसको मैं बंद कर दूंगी क्योंकि हमें इसे ब्राउन नहीं करना। छूने से जो नमी निकल रही है ना हाथ में पता पड़ रही है। वाओ अब इस प्लेट में जो मैंने ये ड्राई किया है सुखाया है हल्का सा सेका है इसको हम ठंडा होने के लिए फैला देंगे। रखेंगे परे परे हट जब तक ठंडा। और फिर जो मैंने ये आम को हल्दी लगा के रखा था वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें से ये बीज के अंदर की चीज इसमें ये जो बीज के अंदर की चीज़ वो निकाल देंगे। बट मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं अगर ये थोड़ा सा खूब बड़ा नहीं था तो इसमें गुठली इतनी थी नहीं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि ये खट्टा है। ये जो गुठली होती है ना ये हमारे समय में जब ये जो गुठली होती है ना जो ये हम जब छोटे थे ना तो आम में अचार में आता था आती थी तो हम इसको खूब प्रेम से उसको ढूंढ के मैं खाती थी। मुझे इतनी पसंद थी है सो मुझे लगता है कि मुझे इसको चलने देना चाहिए इसी में क्योंकि ज़्यादा है नहीं तो जल्दी ख़त्म होगा और खाने वाली मैं ही हूँ। अंकिता शायद सिक है और खा भी ले क्या पता बच्चों का मूड है। द सेम टाइम ये है सरसों पर मुझे ना इसका मसाला ही ज़्यादा अच्छा लगता तो दिस इज़ माई स्टाइल ऑफ अचार आप ये कह सकते हैं। और अब इसमें मैं डालूंगी सरसों का तेल गरम होने के। सरसों के तेल के हिसाब से तो मुझे ये बर्तन बड़ा लग रहा है बट क्योंकि मैंने एक बर्तन ही गंदा करना है तो मैं दो दो क्यों धोऊं। तो इसको मुझे इतना गरम करना है कि धुआं निकले। आई थिंक इतना भी काफ़ी होगा तो पका लेने तेल में कुछ निकल नहीं है सरसों के लिए। सो विल सी मेरे को कितना लगेगा। गर्म कर लेती हूँ अदरवाइज मैं डाल दूँगी तो गर्म होने दो उसको धुआं निकलने चाहिए इसमें से धुआं धुआं। तो ये है 2 चम्मच लाल मिर्ची और हल्दी और ये है नमक। आप आपके स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। और ये तेल गरम हो चुका है बहुत तेज स्मेल आ रही है खुशबू ऑयल की और ये जो सरसों गिर थी काली काली दिख रही है वो गरम अच्छी वाली सीख गई। तो तेल जब तक ठंडा हो अभी और थोड़ा सा उबलने देते पकने देते। ये जो तेल की जो निकल रही है ना गरम होने के बाद स्मेल खुशबू धुआं उससे मुझे छींक जैसी लग रही है। तो ये हमारा मसाला ठंडा हो चुका है थोड़ा सा बचा पर ठीक है चलेगा। तो इतनी बड़ी प्लेट भारी है ये तो मैं हाथ से एक साथ उठेगी नहीं पर मैं इसे सब एक साथ गर्म करेंगे। और जो ये तेल गर्म किया है ना ये आपको तो दिख रहा होगा आँख में लग रहा है लिटरली आँख में लग रहा है। और हमें इसमें कलौंजी भी डालनी चाहिए जो मेरे पास है नहीं तो कोई बात नहीं मेरे हिसाब से मैनेज कर इसको हम दरदरा पीसेंगे।
वाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूं। अचार मेरा बन गया है। वाह 5 दिन हो गए हैं और इस 5 दिन में मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मैं आपको अपना देखिए, I made it। कितना यम्मी है देखिए। अब आपको मैं ये अचार दिखाते दिखाते एक बात बताती हूँ। अचार बन गया उसके बाद मैं चली अपने अचार को लेके बोतल को लेके बालकनी में और मैं बालकनी में जा ही रही थी और मुझे नहीं पता था कि ये वाली जाली जो अभी टूटी हालत में है ये बंद है। मेरा ध्यान उधर था कि मुझे इस जगह पे अचार रखना था, मैं उधर देख रही थी, मैं तो सामने नहीं देख रही थी। ये जाली यहाँ लगी हुई थी, मैं उसमें ऐसे अदड़ा के गिरी और इतनी बुरी तरीके से गिरी कि मुझे आज तक मेरे को आराम करना पड़ रहा है। पर चूँकि मुझे वीडियो डालनी थी इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी बताऊं, क्योंकि आप लोग मेरे दोस्त हैं, आप लोग मेरे फैमिली हैं, तो मैंने सोचा चलो बता देती हूँ। अभी भी मैं लंगड़ा के चल रही हूँ और चोट बहुत बुरी लगी है। सो बी केयरफुल जब आप काम करते हैं, मेरे से हो जाती है गलती, अब क्या करूँगी। तो होप आप लोगों को मेरा ये अचार पसंद आया होगा। मुंह में पानी आ रहा है और आप मुंह में पानी आ रहा है। अगर आप लोगों को मेरे ये अचार बनाने का तरीका और मेरा गिरने का तरीका नहीं अचार बनाना और अचार अच्छा लगा हो तो उसे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बने रहें मेरे साथ। मैं अभी भी अपने आप को नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मैं आई एम नॉट इन गुड कंडीशन, स्टिल आई एम टेकिंग रेस्ट। तो मिलेंगे अगले वीडियो में और मैं वीकली डालूँगी क्योंकि नहीं हो पाता, बहुत काम हो जाता है। तो मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, संभालें खुद को और मुझे भी खुद को संभालना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय 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 बाय।